आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शराब की हर दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। तस्करी की शराब, कच्ची शराब और अवैध रूप से तैयार होने वाली शराब की बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबकारी आयुक्त ने कमिश्नरी सभागार में हुई बैठक में सख्त निर्देश विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए हैं। आबकारी आयुक्त सैंतिल पंड्याल ने कमिश्नरी सभागार में बैठक की। अवैध रूप से बिकने वाली शराब, कच्ची शराब या फिर तस्करी की शराब पर नकेल कसने के लिए आबकारी आयुक्त लगातार दौरे पर हैं। आगरा मंडल की बैठक में आबकारी आयुक्त सैंतिल पंड्याल ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर अवैध शराब, कच्ची शराब या फिर तस्करी की शराब बिकनी नहीं चाहिए। आज आगरा में जो है आबकारी विभाग का समीक्षा किया गया है, जो जिलेवार जो है इन्फोर्समेंट के संबंध में, मेन जो है इन्फोर्समेंट के संबंध में समीक्षा की गई। सभी को निर्देश दिया गया कि कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है इलिसिट लिकर और जो कच्ची शराब का और स्पिरिट्स लिकर का बंद होना चाहिए। और उसके बाद ये भी लोगों को मोटिवेट किया गया कि जिलेवार जो है अगर अच्छा प्रवर्तन करते हुए जल्दी जल्दी जो है जिले को इलिसिट लिकर फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित करें। आबकारी आयुक्त सैंथिल पंड्याल का कहना था कि हर शराब की दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। महीने के आखिरी तक सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। आबकारी आयुक्त का कहना था सीसीटीवी कैमरा लगने से अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। जो सभी दुकानों में, रिटेल दुकानों में सीसीटीवी लगाने के काम है, उसमें अभी भी 280 दुकान के आसपास जो है सीसीटीवी नहीं लगाया। लगभग 2200 दुकान है, उसमें 10% दुकान में नहीं लगाया, उसको भी इसी मंथ अंत तक सीसीटीवी लगाने का काम पूरा करेंगे। उसमें क्या है, जो दुकानों में जो गतिविधियां हैं चल रही है उसको पता चल जाएगी। उसके बाद कहीं भी ओवर रेटिंग होता है वो भी पता चल जाएगी। जो इस संबंध में जो है सभी इंस्पेक्टर को, पूरे मंडल का इंस्पेक्टर को और सभी डीओस को, कांस्टेबल्स को निर्देश दिया गया। आबकारी आयुक्त मानते हैं कि हरियाणा से बड़े पैमाने पर तस्करी की शराब लाई जाती है और उसे खपाया जाता है। आबकारी आयुक्त ने निर्देशित किया कि बेहतर तालमेल पुलिस के साथ बनाया जाए और संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाए, जिससे अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाई जा सके। अभी तो आप समझ रहे हैं, अभी लगातार अभियान चल रही है, डेली प्रवर्तन का काम कर रहे हैं। अब जो है मेरा नॉलेज में अभी कोई सूचना अभी नहीं आई, अगर कोई आएगा तो बता दीजिएगा, मैं भी उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से अच्छे कार्रवाई करेंगे। अभी भी 2-3 हरियाणा से कुछ शराब आई, उसको भी पकड़ा गया है और आगे भी जो है हम लोग सतर्क रहेंगे, ऐसे कोई घटना नहीं हो पाए। 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं। चुनावों में शराब का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, शराब पीकर वोट बटोरे जाते हैं, ऐसा तमाम लोग मानते हैं। यही वजह है कि प्रवर्तन दल को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिससे कहीं कोई चूक ना हो जाए। मेनली यही है, मेनली बेसिकली हमने आपको बता रहा था, हमारा जोर जो है ये बेसिकली क्या है, प्रवर्तन के ऊपर है। अच्छा प्रवर्तन काम करेंगे, ऑब्वियसली हमारे जो है जो अप्रिय घटना है वो घटित होने में मतलब रुक जाएगा। और दूसरा चीज़ जो है अपने आप जो है सेल भी बढ़ेगी, देन स्टेट का रेवेन्यू भी होगा। आबकारी आयुक्त की बैठक में जिलाधिकारी एन प्रभु सिंह, एसपी सिटी विकास कुमार सहित आबकारी विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। कुछ समय पहले आगरा और अलीगढ़ में जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद समूचे उत्तर प्रदेश में हलचल मच गया। एक्शन में आबकारी विभाग आ चुका है, सरकार भी एक्शन में है। चुनाव नज़दीक है, चुनावों में शराब का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से अवैध शराब को रोका जाए, किस तरीके से जहरीली शराब का खात्मा किया जाए, इन सब बिंदुओं को लेकर आबकारी आयुक्त ने आगरा में बैठक की। बैठक के दौरान सख्त तेवर आबकारी आयुक्त के दिखाई दिए। साफ कर दिया गया कि सभी शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए। हर इंस्पेक्टर को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, अवैध शराब का खात्मा करना होगा, तस्करी की शराब पर पूरी तरीके से रोक लगानी होगी। तमाम सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, देखना होगा कि दिशा निर्देशों का अनुपालन कितना हो पाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आगरा में तस्करी की शराब को खपाया जाता है।
कच्ची शराब भी बड़े पैमाने पर आगरा में बेची जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइसेंसी दुकानों से अवैध शराब की बिक्री की जाती है, जिससे पिछले दिनों मौत हुई थी, गाज पुलिस पर गिरी थी। जिम्मेदारी किसकी बनती है ये सब तय करना होगा और दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन करना होगा। कितना कुछ पालन होता है ये वक्त बताएगा। चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर एक्शन में सरकार भी है, एक्शन में आबकारी विभाग भी है, एक्शन में प्रशासन भी है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।